मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आज का संपूर्ण पंचांग लेकर। संपूर्ण पंचांग यह है रविवार यानी कि 29 मार्च 2020 का। पंचांग जैसा कि आप सभी जानते हैं मुख्यतः पांच चीजों से बनकर बनता है। क्या क्या चीजें होती है? तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन पांचों चीजों से पंचांग का निर्माण होता है। पंचांग बेसिकली हमारा कैलेंडर है जिससे हम वर्ष त्यौहार देखते हैं, मुहूर्त जानते हैं, सब कुछ हिंदू धर्म के बारे में उससे जान सकते हैं, सब कुछ का टाइमिंग जान सकते हैं, समय जान सकते हैं। तो इसी वजह से हमें पंचांग जानने की आवश्यकता होती है। आज का पंचांग बताना आरंभ करूं इससे पहले उन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जिन लोगों का आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से आपकी जोड़ी हमेशा के लिए यूं ही सलामत रहे। साथ ही जो कोई भी व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं उनका दिन मंगलमय हो, भगवान गणेश की कृपा उन पर बनी रहे। तो मित्रों आइए जानते हैं आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। ये संपूर्ण और विस्तृत पंचांग है रविवार 29 मार्च 2020 का। तिथि और नक्षत्र जान लेते हैं। आज है विक्रम संवत 2077, माह चैत पक्ष शुक्ल, तिथि पंचमी आज रहने वाली है जो कि रात के 10:02 तक रहेगा। उसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज रहने वाला है कृतिका। कृतिका नक्षत्र आज दिन के 12:14 तक रहने वाला है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग आज रहने वाला है प्रीति। प्रीति योग आज शाम के 6:16 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल रहने वाला है पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में किसी खास प्रयोजन से आज यात्रा ना करें। शुभ खाद्य आज का रहने वाला पान। पान खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, कोई कार्य आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनते हैं। चंद्र राशि आज रहने वाली है वृष। वृष राशि में चंद्रमा है प्रथम स्थान में। और व्रत त्योहार में आज है नवरात्रि की पांचवी पूजा। आज माँ स्कंद माता की पूजा की अर्चना की जाएगी और राम राज्य अभिषेक उत्सव भी आज ही है। साथ ही चैती छठ का खरना आज है और श्री पंचमी आज है। बात करेंगे अब सूर्योदय और चंद्रोदय की। आज सूर्योदय होगा सुबह के 5:54 पर और सूर्यास्त होने वाला है शाम के 6:06 पर। चंद्रोदय होने वाला है आज सुबह के 9:09 पर और चंद्रयास्त होगा रात के 11:00। आइए आज की चौघड़िया अब जान लेते हैं। आज का शुभ समय रहने वाला है दिन के 1:31 से लेकर 3:03 तक। आज का चर समय रहने वाला है सुबह के 7:25 से लेकर सुबह के 8:57 पर। आज का लाभ समय रहने वाला है सुबह के 8:57 से आरंभ होगा और ये चलने वाला है सुबह के 10:28 तक। आज का अमृत समय रहने वाला है दिन के 10:28 से लेकर दिन के 12:00 तक। आइए अब जान लेते हैं आज के राहु काल और कुली काल की स्थिति। आज का राहु काल रहने वाला है शाम के 4:30 से लेकर शाम के 6:00 तक और आज का कुली काल रहने वाला है शाम के 3:00 से लेकर 4:30 तक। इस समय में किए गए कार्य शुभ रहते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त जिस समय में सारे काम शुभ होते हैं, सारे काम बनते हैं, वो रहने वाला है सुबह के 11:36 से लेकर 12:24 पर। और आज का विजय मुहूर्त रहने वाला है 11:56 दिन में से आरंभ होगा और 12:04 तक चलेगा। कुल 8 का विजय मुहूर्त रहेगा। और गोधली मुहूर्त रहेगा आज शाम के 6:06 से आरंभ होगा और 6:17 तक चलेगा। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण पंचांग। अगर आपको आज का पंचांग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। इसमें अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं, वो भी चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी। तो मित्रों ये था हमारा आज का संपूर्ण पंचांग। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो, राशिफल के वीडियो और पंचांग के वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।